नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूँ आपका सीएम लॉर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार मीडिया से बात करते हुए कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर अपनी बात रखी। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई, सपा जनता के भरोसे के कारण भड़ी है और भारतीय जनता पार्टी घटी। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज जो वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाई, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।